हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्वाइलाइट सीरीज के लीड कैरेक्टर एडवर्ड क्यूलिन के बारे में, उसकी अर्ली लाइफ के बारे में, उसकी अर्ली लाइफ के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जो मूवी सीरीज में हमें सही से दिखाए नहीं गए। तो आइए शुरू करते हैं। तो एडवर्ड क्यूलिन, जैसा कि हम जानते हैं, एक टेलीपैथिक वैम्पायर है, यानी कि वो दूसरों के आइडियाज़ को पढ़ सकता है और उनसे कम्युनिकेट कर सकता है बिना कुछ बोले। और वो ओलंपिक कोवेन का फाउंडिंग मेंबर है और ट्वाइलाइट सेगा का मेन प्रोटैगनिस्ट है। एडवर्ड क्यूलिन, जिसका असली नाम एडवर्ड एंथोनी मेसन जूनियर था, उसकी पैदाइश जून 20, 1901 में शिकागो में हुई। वो एडवर्ड और एलिजाबेथ मेसन का इकलौता बेटा था। उसकी फैमिली एक अपर मिडिल क्लास फैमिली थी। उसके फादर एक सक्सेसफुल वकील थे, इसीलिए एडवर्ड की जो एजुकेशन हुई वो काफ़ी अच्छे प्राइवेट स्कूल में हुई, जहां वो म्यूज़िक में स्कूल का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट साबित हुआ। क्योंकि एडवर्ड के फादर काफ़ी बिजी रहते थे अपने जॉब की वजह से, इसलिए वो एडवर्ड को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, ना अपनी वाइफ को उतना टाइम दे पाते थे, जिस वजह से बाप बेटे में जो इमोशनल बॉन्डिंग बननी चाहिए थी वो कभी बन नहीं पाई। और शायद यही वजह थी कि एडवर्ड अपनी माँ से ज़्यादा करीब था अपने बाप के मुकाबले। एडवर्ड आगे जाके एक ट्रेंड पियानिस्ट बना, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें एडवेंचर और कहें तो मुल्क के लिए मोहब्बत की भावना जागने लगी। उसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। अमेरिका को फौजियों की जरूरत पड़ी। क्योंकि एडवर्ड 18 साल का हो चुका था, इसलिए उसने आर्मी ज्वाइन कर ली और कुछ साल तक आर्मी में ही सर्व किया। साल 1918, पूरा अमेरिका स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की बीमारी से जूझने लगा। इसी महामारी में एडवर्ड और उसके मां बाप भी इन्फेक्टेड हो गए। इन्फेक्शन की जो फर्स्ट वेव थी उसमें एडवर्ड के फादर की डेथ हो गई। एडवर्ड की मां, जो खुद भी कहे तो मौत के दरवाजे पे खड़ी थी, वो अपने डॉक्टर कार्ल आइल क्यूलिन से कहती है कि आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन मेरे बेटे एडवर्ड को बचा लो। ये कहते ही एडवर्ड की मां भी मर जाती है। लेकिन कोई ये नहीं जानता होता है कि कार्ल आइल असल में एक वैम्पायर है, यानी कि एक इमॉर्टल इंसान। बहुत इलाज के बावजूद एडवर्ड की जान बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कार्ल आइल एडवर्ड को अपने घर ले जाते हैं और उसे बाइट करके उसे वैम्पायर बना देते हैं। कार्ल आइल और एडवर्ड के बीच कहें तो एक बाप बेटे जैसी बॉन्डिंग हो जाती है। वो प्यार जो एडवर्ड को कभी अपने असली फादर से नहीं मिला, वो कार्ल आइल उसे देने लगे। कार्ल आइल एक वैम्पायर तो थे, लेकिन वो केवल एनिमल ब्लड ही पीते थे, यानी कि वो कभी भी इंसानों पे हमला नहीं करते थे। वो एडवर्ड को भी यही सिखाते हैं कि वो भी अपनी ह्यूमन ब्लड की प्यास को कंट्रोल करके रखे। साल 1921 में कार्ल आइल इस्मी नाम की एक औरत को भी वैम्पायर बना देते हैं, जो अपने हस्बैंड से और अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा तंग आ चुकी होती है कि सुसाइड करने जा रही होती है। यानी कि अब कार्ल आइल और इस्मी क्यूलिन माँ बाप की तरह एक रोल प्ले करते हैं एडवर्ड के लिए। लेकिन एडवर्ड क्योंकि कहें तो इतना ज्यादा मैच्योर नहीं होता है, इसलिए वो अपनी ह्यूमन ब्लड की प्यास को कंट्रोल नहीं कर पाता है और कार्ल आइल और इस्मी क्यूलिन का घर छोड़ के वहां से चला जाता है। अब क्योंकि हम जानते हैं एडवर्ड एक टेलीपैथिक वैम्पायर है, यानी वो लोगों की थिंकिंग को पढ़ सकता है, वो क्या सोच रहे हैं उनको पढ़ सकता है और सामने वाले शख्स का कैसा नेचर है वो ये भी जान सकता है, तो वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल करेगा और समाज के उन लोगों को हमला करके मारेगा, उनका ब्लड पिएगा जो क्रिमिनल मेंटेलिटी के होते हैं, क्या कहें तो बहुत ही वर्स्ट सिविलियंस होते हैं, यानी उनसे समाज को फायदा तो नहीं उल्टा नुकसान ही होता है। 1927 में
वो अपना सबसे पहला शिकार करेगा। उसका शिकार होगा एस्मी क्यूलिन का वही एक्स हस्बैंड जो उसे परेशान करता था और जिसने उसे सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। वो धीरे धीरे कई क्रिमिनल्स पे हमला करेगा, लेकिन फिर उसे ये एहसास होगा कि इनकी जान लेना उसका अधिकार नहीं है। वो भले ही क्रिमिनल थे, लेकिन उन्हें मारना, उन्हें मौत के घाट उतार देना, ये उसके हक में नहीं है। तो उसे पछतावा होगा और वो दोबारा कार्लाइल और इस्मी क्यूलिन के पास वापस लौट आएगा। साल 1933 में रोजली नाम की एक लड़की उनकी वैम्पायर फैमिली में शामिल हो जाती है। रोजली एक औरत होती है जिसको उसका फियांसे मरा हुआ छोड़ के रोड पे चला जाता है और कार्लाइल उसकी जान बचाने के लिए उसे भी वैम्पायर बना देते हैं। फिर एमिट क्यूलिन नाम का एक शख्स भी उनकी फैमिली में वैम्पायर बन के शामिल होगा। एमिट क्यूलिन पर एक बियर यानी कि एक भालू हमला कर देता है और वो लगभग कहे तो मरने वाला होता है। तो रोजली जिसे वो पहली नज़र में पसंद आ जाता है वो उसे बाइट करके उसे भी वैम्पायर बना देती है और रोजली और एमिट क्यूलिन भी क्यूलिन फैमिली से जुड़ जाते हैं। कुछ साल बाद जेस्पर और एलिस जो पहले से ही वैम्पायर्स होते हैं लेकिन वो बंजारे यानी कि नोमैड्स होते हैं, यानी कोई उनका पक्का जगह या ठिकाना नहीं होता, वो कार्लाइल के नज़रिए और उनकी फैमिली की थिंकिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो कार्लाइल उन्हें भी अपने परिवार में शामिल कर लेता है। इस तरीके से पूरा क्यूलिन परिवार कहें तो तैयार हो जाता है और कार्लाइल उन्हें अपने एडॉप्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं। अब क्योंकि वो वैम्पायर्स हैं, उनकी उम्र नहीं बढ़ती, इसलिए वो कभी भी एक ही जगह पे नहीं रुकते हैं। एडवर्ड अपनी फैमिली के साथ कई सालों बाद क्या करता है, अपनी जगह को चेंज करता रहता है और पढ़ाई के बहाने, हाई स्कूल पास करने के बहाने वो एक जगह कई साल तक रुक पाते हैं। तो सन 2005 तक यानी जब तक हमारी ट्वाइलाइट सीरीज की शुरुआत होती है तब तक हम ये देखते हैं कि एडवर्ड कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में हाई स्कूल पास कर चुका होता है। जब ट्वाइलाइट सीरीज की स्टार्टिंग होती है तब हम देखते हैं कि एडवर्ड की मुलाकात होती है बेला से। अब बेला जिसके पास नेचुरली ये पावर होती है कि उसकी माइंड शील्डेड होती है, यानी कि एडवर्ड जिसके पास टेलीपैथिक पावर्स होती हैं, इसके बावजूद वो बेला का माइंड नहीं पढ़ पाता है, जिससे एडवर्ड बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शायद यही वजह होती है कि वो बेला से प्यार करने लग जाता है। तो ट्वाइलाइट सीरीज में हम फिर एडवर्ड और बेला की लव स्टोरी को अनफोल्ड होते हुए देखते हैं। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन आते हैं लेकिन एंड में दोनों साथ में रहते हैं और एडवर्ड बेला को भी क्या करता है, वैम्पायर बना देता है। और उनकी एक बेटी भी होती है जिसका गॉडफादर जैकब जो कि एक भेड़िया होता है वो बनता है। यानी बेला के आने के बाद ही वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स जिनमें जानी दुश्मनी होती है वो एक साथ, उनमें फ्रेंडशिप और एक ट्रीटी हो जाती है। तो ये थी एडवर्ड क्यूलिन की कहें तो अर्ली लाइफ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।